ये टैटू बनवाया हुआ है इन्होंने, ये राहुल जी हैं और ये सोनिया जी हैं, बीच में लिख रहा है मोहब्बत की दुकान। राहुल गांधी ने पिछली बार भारत जोड़ो यात्रा की थी और उसमें ये पैगाम था कि मोहब्बत की दुकान इस देश में खोलनी है, और उस मोहब्बत की दुकान की जीती जागती ये मिसाल आपको यहाँ नजर आ रही होगी। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, पहले तो ये आपने कब बनवाया? 8 महीना हो गया। दर्द हुआ लेकिन क्या करें, फैन है तो बर्दाश्त करना। फैन है आप उनके, क्या अच्छा लगता है राहुल गांधी? राहुल गांधी सर गरीबों से मिलता है, हम लोगों से ऐसे जैसे जब हम आए उसे आदमी से मिलता है। भारत जोड़ो यात्रा किया, भारत जोड़ो नया यात्रा किया। जनता के नेता है इसलिए आपको अच्छी? जनता का नेता है। यात्रा बिहार आई है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। उनसे मिलने आए आप? मिलने आए। बहुत बड़े फैन है। अच्छा, सोनिया जी का टैटू क्यों? सोनिया जी का सर का मम्मी है, इसी चलते बनवाया। ये अपने नेता से प्यार होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि राहुल गांधी सिर्फ एक नेता नहीं है, वो जननायक है। मोहब्बत की दुकान जो उन्होंने खोली थी वो इस देश के हर इंसान के दिल में बस चुकी है, उसका जीता जागता उदाहरण सिर्फ राहुल गांधी नहीं, सोनिया जी का भी टैटू बनवाया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये राहुल गांधी के इतने बड़े फैन हैं कि उनकी माँ को अपनी माँ समझते हैं। इतना अपार प्रेम एक जननायक को ही मिल सकता है। इन्होंने कहा कि क्योंकि वो गरीबों से मिलते हैं, गरीबों के हक की बात करते हैं, जनता के नेता हैं, इसलिए इनको वो बहुत पसंद है। एक बार मैं फिर कहूँगी, टैटू पे आप पैन कर दीजिए, क्योंकि बहुत समय लगता है, बहुत दर्द होता है इस तरीके की टैटू बनवाने में, और वाकई आपके प्यार को, आपके हौसले को सलाम है हम लोगों का, और ऐसे ही राहुल गांधी को सपोर्ट करते रहिए।